11 बजे की 11 ब्रेकिंग्स पर पहली ब्रेकिंग, कर्नाटक के पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करते हुए पीएम ने बूथ जीतने का मंत्र दिया। कहा कर्नाटक में लोकतंत्र का उत्सव चल रहा है, डबल इंजन की सरकार में विकास की रफ्तार बढ़ जाती है। पीएम ने कहा कुछ राज्य केंद्र की योजनाओं को लागू नहीं करते, हमारा एजेंडा देश को विकसित बनाने का है। कांग्रेस भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा स्रोत रही है, सत्ता हथियाना विरोधियों का एजेंडा है। दूसरी ब्रेकिंग, बाहुबली आनंद मोहन 16 साल बाद जेल से रिहा। जेल प्रशासन के मुताबिक सुबह 6:15 बजे सहरसा जेल से आनंद मोहन को रिहा किया गया। जेल नियमों के मुताबिक आनंद मोहन रिहाई आज दोपहर तक तय होनी थी, लेकिन आज सुबह चुपके चुपके जेल से बाहर किया गया। बताया जा रहा है कि रिहाई के सारे कागजी प्रक्रिया को देर रात ही पूरा कर लिया गया था। आपको बता दें सहरसा में आनंद मोहन के समर्थन में पोस्टर्स भी लगे हैं, पोस्टर पर शेर ए बिहार लिखा हुआ है। तीसरी ब्रेकिंग, आनंद मोहन की रिहाई पर जी कृष्णैया की बेटी पद्मा का बड़ा बयान सामने आया। कहा आनंद मोहन की रिहाई का फैसला बहुत गलत। पद्मा ने कहा नीतीश सरकार इस पर पुनर्विचार करे, हम इस फैसले के खिलाफ अपील करेंगे। आपको बता दें 1994 में गोपालगंज के जिलाधिकारी जी कृष्णैया को पीट पीट कर मार डाला गया था। चौथी ब्रेकिंग, कर्नाटक के मंगलुरु में आज रैली करेंगे राहुल गांधी। इस दौरान उडुपी में मछुआरों से बातचीत करेंगे। राहुल गांधी का ये कार्यक्रम उचीला महालक्ष्मी मंदिर के शालिनी जी शंकर सभागार में होगा। राहुल गांधी एक हफ्ते में दूसरी बार कर्नाटक पहुंचेंगे। पांचवी ब्रेकिंग, दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की आज चीनी रक्षा मंत्री ली शेंगफू से मुलाकात होगी। एससीओ देशों के रक्षा मंत्रियों की शुक्रवार को बैठक होगी। 2020 में गलवान झड़प के बाद पहली बार भारत चीन के बीच मंत्री स्तरीय बैठक होगी। शाम 6 बजे होने वाली इस बैठक में द्विपक्षीय संबंधों समेत सीमा विवाद को लेकर चर्चा होगी। छठी ब्रेकिंग, पंजाब के पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल का अंतिम संस्कार आज। कल देर शाम पैतृक गांव बादल पहुंचा पार्थिव शरीर, अंतिम संस्कार दोपहर करीब 1 बजे के करीब होगा। अमित शाह, राजनाथ सिंह, सीएम गहलोत अंतिम संस्कार में शामिल हो सकते हैं। माफिया अति की पत्नी शाइस्ता परवीन की तलाश में कौशाम्बी में छापेमारी। 9 महिलाओं को हिरासत में लेकर हो रही है पूछताछ। हिरासत में ली गई महिलाओं पर माफिया अतीक की पत्नी को शरण देने की आशंका है। उमेश पाल हत्याकांड में फरार चल रही है शाइस्ता परवीन। पुलिस ने शाइस्ता परवीन की गिरफ्तारी पर घोषित किया है 50,000 का इनाम। आठवीं ब्रेकिंग, पूरे विधि विधान के साथ खुले बद्रीनाथ धाम के कपाट। सुबह 7:10 पर खुले बद्रीनाथ के कपाट। 15 क्विंटल रंग बिरंगे फूलों से सजाया गया मंदिर। इस दौरान सेना के बैंड ने धुने बजाई, लोगों ने जय बद्री विशाल के नारे लगाए। सुबह से ही बद्रीनाथ धाम के बाहर बर्फबारी हो रही है। भारी बर्फबारी के बीच सैकड़ों श्रद्धालु धाम के बाहर जुटे हुए हैं। आपको बता दें उत्तराखंड की चार धाम यात्रा 22 अप्रैल से शुरू हो चुकी है। नौवीं ब्रेकिंग, देश में कोरोना के मामले फिर बढ़ने लगे हैं। पिछले 24 घंटों में देश में 9,355 कोरोना के नए केसेस सामने आए। 26 मरीजों की मौत हुई है। एक्टिव केसेस का आंकड़ा घटकर 57,410 हुआ है। वहीं दिल्ली की बात करें तो यहां कोरोना के कुल 1,040 नए मामले सामने आए, 7 लोगों की मौत। और बात करें महाराष्ट्र की तो यहां कोरोना के मामलों में गिरावट दर्ज की गई है, 1 मरीज की मौत। एक्टिव केसेस की संख्या 5,233। दसवीं ब्रेकिंग, हिमाचल प्रदेश के शिमला के मेडिकल कॉलेज की कैंटीन में लगी आग। इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज IGMC अस्पताल में लगी आग।